हरिद्वार में चार्ज संभालते ही डीएफओ डॉक्टर धर्म सिंह मिर्णा सुर्खियों में आ गए हैं। कर्मचारियों ने वन विभाग उत्तरांचल फॉरेस्ट मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के बैनर तले नवनियुक्त डीएफओ डॉक्टर धर्मवीर सिंह मिर्णा के ट्रांसफर को लेकर धरना शुरू कर दिया गया है और कर्मचारियों का आरोप है कि डीएफओ की ओर से कर्मचारियों के साथ लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर वन विभाग के कर्मचारी 2 दिन के लिए कार्य का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं नवनियुक्त डीएफओ धर्म सिंह मिर्णा ने कहा है कि कर्मचारियों की ओर से लगाए गए आरोप बिल्कुल निराधार है। कल इस संबंध में 2 दिन का टाइम मांगा है सरकार से कि अगर वो 2 दिन में नेगेटिव साहब को चेंज करते हैं तो ठीक है, नहीं तो तीसरे दिन से हम तालाबंदी करेंगे। सर हमारी हमारे यूनियन के माध्यम से उनको पत्र दे दिया गया है और वो हो सकता है वो अब दोपहर तक यहाँ पे आ जाएं और हमसे वार्ता करें। डेबो साहब हमारे कल उनसे मुलाकात हुई थी, उनके द्वारा बोला गया कि फ्यूचर में नहीं ऐसा होगा, बट हमें इस संबंध में उनसे कोई वो नहीं मिला है। इसमें यही कह सकता हूँ कि 2 दिन तो मुझे ऑफिस में हुए बैठे हुए और 2 दिन में केवल 4 ही स्टाफ से मेरा वार्तालाप हुआ है किन्हीं मैटरों को लेके, कुछ फाइल थी उनको लेके, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो सिंपल चीजें हैं उनको भी बड़ा चढ़ा के कर दिया है, तो वो हो सकता है उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। हम करना कुछ चाह रहे हैं, कहना कुछ चाह रहे हैं, लेकिन समझ कुछ और रहे हैं, तो वो भी मेरे ही परिवार के हिस्से हैं, मैं मुखिया हूँ।